टुडे so आप लोग मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने वाले सब लोग बहुत अच्छे माइंड से ये lecture देखने वाले because इस lecture में हम लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो हमको क्लियर करने पड़ेंगे ओके सो इन डे टू डे लाइफ ओके डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं पर क्या तुमने ये सोचा है क्या सारी चीजें बायोलॉजी से कनेक्टेड होगी ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो एंड आई वेलकम यू ऑल टू बॉब बॉब मेरा आज का लेक्चर विच इज नथिंग बट बेसिक ऑफ बायोलॉजी अब बेसिक ऑफ बायोलॉजी बोले तो क्या क्या होता है बायोलॉजी क्या तुमने कभी सोचा है ये yes, एग्जैक्टली exactly. सोचना इज ऑल्सो कम्स अंडर बायोलॉजी सो ऑल ऑफ दिस वी स्टडी वी आर डूंग आज मैं अगर हाथ हिला रही हूं तो ये किस में आ रहा है बायोलॉजी में इफ आई तो है बायोलॉजी की वजह से राइट right? सो so हम लोग बचपन से साइंस बहुत देखते आए हैं हम पढ़ते आए हैं लिखते आए हैं सारी चीजें हमने करी पर आज तक के हमने ये समझने की कोशिश नहीं किया कि साइंस क्या होता है करेक्ट है ना

क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसीलिए हम लोगों को एक टॉपिक दिया जा, जाता है जैसे कि एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स एक बायोलॉजी और इसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक आ जाते हैं जो हमको पढ़ना पड़ता है ठीक है तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल अप्रोच बट एक अम्ब्रेला है और इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है तो वो चीजें क्या होगी कैसी होगी ये सब मैं तुमको आज हमारे लेक्चर में बताऊंगी ओके बट उसके पहले यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल तुम लोगों को अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा क्योंकि हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे ठीक है तो आज तुम लोग की स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे फोटोज देख रहे हैं हाँ जी देख रहे हैं ये क्यों दिया है मैम ने इट अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर जीआईएफ आर एफ की सो यू माइट सी दिस इज नथिंग बट जहाँ पे हम लोग रहते हैं हमारी पृथ्वी हमारी धरती राइट right? सो so अब ये क्या है क्या पूरी की पूरी धरती बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी क्या लगता है ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स हो सकता है गाइस आज अगर तुम क्लासरूम में जा रहे हो एक कोई लड़की पसंद आ रही है तो क्या वो बायोलॉजी है ऑफ कोर्स इट इज बायोलॉजी क्यों होगा हमारे अंदर एक हॉर्मोन्स जनरेट होता है प्यार के मोहब्बत के और इसकी वजह से हमको कोई पसंद आता है बराबर तुम्हारे एज में तो बहुत कुछ होता है रेज होता 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 है प्यार होता है है गुस्सा प्यार कि सब कुछ बायोलॉजी के अंदर आ जाता है आज अगर मैं बात करती हूँ अबाउट क्या चल रहा है एट दिस मोमेंट घर पे बैठे हो ना घर पे क्यों बैठे हो वॉट इज द रीजन इट्स बिकॉज पेंडेमिक चल रहा है ना बॉस कि अगर वायरस आया हुआ है वायरस अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमको अटैक कर लेगा विच विल नॉट बी सेफ फॉर अस एंड आवर फैमिली इसीलिए हम लोग घर पे बैठे बराबर है ये चीज समझ में आ रही है तो वो वायरस क्या बायोलॉजी से कनेक्टेड है यस ऑफ ऑफ कोर्स सो टुडे वी आर फेसिंग अ लॉट प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम डे डे टू लाइफ में फेस कर रहे हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है बस एक वायरस की वजह से और वो वायरस किसके अंदर आएगा बायोलॉजी के अंदर आएगा तुमको समझ में आ रहा है अगर मैं बात करती हूँ हमारे कोविड जो हमको हो रहा है जो हम देख रहे हैं जिसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं वो क्यों है इट्स ड्यू टू द बायोलॉजी ओके बायोलॉजी हमारी है बायोलॉजी इस वायरस की है और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो कोई एक डोमिनेंट बनता है कोई एक क्या कर रहा है दूसरे पे फोर्स डाल रहा है जैसे अगर कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आ जाता है तो वो क्या करता है मेरी बॉडी को डोमिनेट करता है मैन्यपुलेट करता है कि तुम मेरे हिसाब से चल और जब वो उसको उसके हिसाब से चलने लगाता है तो हमारी बॉडी तबाह हो जाती है हमारे बॉडी का खुद का दिमाग नहीं बच जाता तो ये सारी चीजें जो आज मेरे पास है जो तुम लोग सोचते हो वो सब किसके अंदर आता है बायोलॉजी के अंदर आता है तो तुम लोगों को हो ना तो मेरे साथ में यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग राइट मैं मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या हो सकता है वॉट आर ऑल दी प्रॉब्लम सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर वॉट बायोलॉजी सो समझ में आया एक नॉर्मल कंसेप्ट था एक साधा सा कंसेप्ट था तो बायोलॉजी के अंदर अगर वास्ट वे में देखा जाए तो क्या क्या आएगा हमारे पास एक प्लांट आएगा ऑफकोर्स हमारे प्लांट को मुंडिया नहीं होती यहाँ पे तो बस फन के लिए हमने वो इमेज डाली बट प्लांट आएगा उसके बाद में हमारे एनिमल्स आते हैं और देर आर दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो अगर तुम लोगों को बायोलॉजिक पढ़ना है तो so जो हम पढ़ते हैं जिनके हिसाब से हम बायो को पढ़ते हैं क्योंकि ये तीन चीजें हमको एक्चुअली उस पर्टिकुलर को थियोरी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करती है इसीलिए हमेशा हम लोग ये तीन चीजें बहुत अच्छे से बहुत हिसाब से हमारे बुक्स में हमारे बचपन से हमारे बुक्स में दी गई हुई है, ओके? So, कौन -कौन है ओके? कौन-कौन वो? हमारे पास प्लांट है हमारे पास एनिमल है और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कुछ लोगों को अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये नहीं पता तो वो मुझ मैं तुमको अभी बता जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो वो क्या कौन है हमारे पेड़ पौधे बराबर पेड़ पौधे माने क्या सारे ही आ जाएंगे ऑफकोर्स सारे आ जाएंगे छोटे छोटे ग्रासेस है हर्ब्स है शर्ब्स है कि सारे की सारी चीजें हमारे पेड़ पौधों में आ जाती है जो क्या करते हैं तो जो वो ऑटोट्रॉप है ऑटोड्रॉप मतलब क्या वो जो खुद का खाना खुद बनाता है और हमारे पूरे एंटायर अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद का खाना खुद बनाएंगे ओके नो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वर्ड में ही कुछ तो दिया हुआ है माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा कुछ इतना छोटा जो मैं आज अपने आंखों से नहीं देख सकती मुझे माइक्रोस्कोप लगेगा उसके लिए गेटिंग तो ये जो इतना छोटा है क्या वो भी लिविंग है स वो भी लिविंग है तो अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं उसको हमने किस में डिवाइड किया है हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड किया और जब ये लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में तीन मेजर आते हैं एक है प्लांट दूसरा है एनिमल और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग हमारे नेगेटाइज से नहीं देख सकते वो भी आज इस जगह प्रेजेंट है हो सकता है को, कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस इस बोर्ड पर प्रेजेंट होगा हो सकता है कुछ ऐसा मेरे हाथ पे प्रेजेंट होगा इवन हमारे बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है समझ में आ रहा है तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो वो इससे रिलेटेड है वो इसकी वजह से हम इसकी स्टडी कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ये तीन कांसेप्ट्स है जिसको हम थरोली स्टडी कर सकते डिटेल में स्टडी कर सकते और पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है तो समझ में आया तुम लोगों को और फिर एनिमल के बारे में तो हम सबको पता है व्हाट इज एनिमल ये बताओ सोचो क्या होते हैं जानवर हम हैं जानवर ऑफ कोर्स हम हैं जानवर तो अभी बहुत हो गया यार कि बायोलॉजी क्या है क्यों ये फैसिनेटिंग लगता है सब अभी मैम ने क्यूरियोसिटी डेवलप कर दिया है ना कि है ना है ना तुम्हारे दिमाग में दिस दिस क्यूरियोसिटी की यार क्या हो सकता है अगर ये फंडा होता है प्यार मोहब्बत इश्क सब होता है तो कैसे होता होगा ये सारी चीजें तुम लोग सोचो और पता करने की कोशिश करो तभी तुमको समझ में आएगा कि ये चीज क्या करती ओके? नथिंग बट स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज सारी चीजें जो इस दुनिया में है वो बायोलॉजी है या फिर जो चीज अलाइव है उसको बायोलॉजी कहते हैं अब जरूरी नहीं कि चीजें जिंदा ही हो हो सकती है कि वो कभी जिंदा थी आज मर गई तो क्या मैं उसको ना गिनूं क्या मैं वो पास्ट को स्टडी ना करूं बायोलॉजी के अंदर ऑफ कोर्स कर सकती हूं सो बायोलॉजी इज इन जनरल इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज और वाज वंस अलाइव वेदर इट्स अ प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना कैसे पता चला कि मैं चिंपैंजी थी पहले हंसने की जरूरत नहीं सच में थे तुम भी थे यार चिंपैंजी पहले हम सब कौन थे मंकीज़ थे मंकी के पहले शायद कोई और जानवर हो गे. तो कैसे पता कि ये हम सब थे इट्स ड्यू टू कि मैंने स्टडी किया मैंने बायोलॉजी का सर्टेन एक ब्रांच स्टडी किया और वो ब्रांच से जब मैंने पास्ट को पता किया तब मुझे पता चला कि यार ये चीज क्या है ये चीज ऐसी चीजों के बारे में भी बात करती है जो कभी तो थे जरूरी नहीं आज है पर पहले भी थे ठीक है सो बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज अलाइव एंड दैट इंक्लूड प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये क्या है तो so, बायोलॉजी खुद का वर्ड का ही मतलब अगर मैं बायो की बात करती हूँ सो बायो इज वॉट लाइफ एंड लॉजी इज वॉट Study, okay? Greek word which which is is bio, bios and logos, which is life study. That means की हम जीवन की जीवन के बारे में पता करते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं दैट इज व्हाट बाजी मीन्स ओके सो लाइफ स्टडी इज नथिंग बट व्हाट बायोलॉजी समझ में आया अब इतना तो क्लियर है इतना तो जम गया अपने को इसके बाद में क्या हो सकता है व्हाट आर ऑल दोस थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग क्या है और कौन से कौन से कंसेप्ट है कभी वंडर किया ह्यूमन में क्या होता है हम इंसान अभी बायो की बात कर रहे हैं मैंने कहा प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अब इंसान की बात करते हैं ना हम लोगों को ज्यादा तो खुद के बारे में पता करने का मन होगा बाकी तो है भाई चलने दो पर हम क्या है वो तो ज्यादा जरूरी है ना पता करना तो so, कभी सोचा है कि इंसान किस चीज से बना है? कभी आया है दिमाग में कोर्स आया है क्यों नहीं आया होगा और कई बार हम लोगों ने हमारे बुक्स में भी पढ़ा है तो मैं तुमको एक हिंट देती हूँ द फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी कौन होता है येस करेक्ट इट इज वॉट सेल

सेल ये इमेज देख के तो तुमको समझ में ही आ गया होगा कि वो किस चीज से बने वो सेल से बने एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग जो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी ये हमेशा के लिए याद रखो ओके वॉट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट विच इज नथिंग बट सेल ओके एंड दिस सेल फॉर्म्स अ ग्रुप टिश्यू tissue. Tissue organ. Organ का ग्रुप बनता है वो ऑर्गन फॉर्म करता है ऑर्गन का ग्रुप बनता है वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है और ऑर्गन सिस्टम एक, एक इंसान को फॉर्म करता है ठीक है तो इंसान अगर कभी क्वेश्चन आए किस चीज से बना हुआ है तो किस किस चीज से बना हुआ है सेल से बना है सेल क्या है एक ऐसा अंश है हमारे बॉडी में जो बहुत सारे हैं मिलियन ट्रिलियंस बहुत सारे हैं और ये पूरा मिला के हमारी बॉडी बनी हुई है ओके सो अ सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर हुई है तो इतना तुमको समझ में आया आई होप इज स्टिल विथ मी एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग वट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट सो द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्विंग सेल्स टिश्यूज ऑर्गन एंड सिस्टम एंड सिस्टम ऑल वर्किंग टूगेदर टू मेक अप अप्यूमन बींग क्या बना रहा है एक इंसान बना रहा है तुम यहां पे देख पा रहे हो अगर ये स्केलेटन है इसके ऊपर स्किन चढ़ा दो इसमें ऑर्गन डाल दो तो क्या बन जाएगा इंसान बन जाएगा बराबर है सो द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्विंग सेल्स टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम ऑल वर्किंग टूगेदर टू मेक अ ह्यूमन तो आज अगर मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो बिकॉज मेरे स्केलेटिन मेरे ज्वाइंट्स में उतनी फ्लेक्सीबिलिटी है आज अगर मैं बात कर पा रही हूँ सांस ले पा रही हूँ तो क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं तो मैं क्या हुई मैं जिंदा हुई सो so, उसी तरीके से लिविंग नॉन लिविंग में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू तुम लोग एक तो जिंदा रहोगे या मर जाओगे बराबर सो so, इस तरीके से तुम लोगों को आज का कंसेप्ट आज की चीज बहुत प्रॉपरली समझ में आई आई होप अगर किसी को भी कुछ भी ऐसा है कि यार मैम ये नहीं समझा ये ये दिमाग में नहीं जा रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारे डाउट्स क्या है ओके सो so, अब हम लोगों को क्या देखना है वी हैव टू सी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अभी जब यार ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे हो वी नो की बायोलॉजी में बहुत सारी कैटेगरीज होती है जैसे जो जूलॉजी होता है बॉटनी होता है अब ये तो बेसिक हो गया ये तो बेसिक हम लोगों को पता है कि ये होगा बट और क्या हो सकती तो biology, biology, है तो देर इज वॉट सेल्यूलर बायोलॉजी देर इज वॉट बायो केमिस्ट्री देर इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वहां पर मोलिकुलर बायोलॉजी आती है जैसे मेनी ऑफ यू आगे जाके अगर बायोलॉजी ही परसीव करना है और इनकेस हमारा क्या कहते डॉक्टरेट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये सोच सकते हैं कि मे बी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करें बॉटनी और जूलॉजी तो कॉमन फील्ड है ही वायरोलॉजी ऑप्ट करें ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी है ठीक है बट द मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज नथिंग बट द जूलॉजी एंड बॉटनी तो जूलॉजी क्या है जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज ऑल द एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर जी इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड एंड एक्सटिंग एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद इकोसिस्टम तो व्हाट एग्जैक्टली जूलॉजी जूलॉजी का क्या का है जूलॉजी इज नथिंग बट एक ऐसी ब्रांच है जो पूरे की पूरे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ती है और पूरे एनिमल किंगडम में ये क्या कह रही है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेगी, उसका एम्ब्रियोलॉजी देखेगी कि कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है दैट मीन्स कि, कि किस तरीके से वो लोग ग्रो हुए हैं उनके एंसेस्टर्स कौन थे और ये सारी चीज़ें फिर उनका हैबिटेट देखेगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी कि कौन से एनवामेंट में रहते हैं कहा, कहा वो प्रेजेंट है कहा मिल सकता है और फाइनली उसका क्लासिफिकेशन दिखेगी कि हम लोग कैसे किंगडम एनिमिल को अलग 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 अलग, अलग चीजों में क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे मैमलिया में क्लासीफाई कर लिया या एव्स में क्लासीफाई कर लिया या कोई और चीज में ठीक है तो ये सब कुछ इज वर्ड जूलॉजी स्टैंड फॉर अब देखते हैं बॉटनी क्या होता है सो बॉटनी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्लांट ही अदरवाइज नोन एज प्लांट तो पे भी, भी सेम चीज़ है कि बॉटनी में अगर तुमको पढ़ना तो तुम 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 क्लाइमेटिक कंडीशन लगेगी उसको कहा हम लोग क्लासीफाई करेंगे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है ये सारी चीजें हम लोग कहा देखेंगे इन बॉटनी ओके इतना समझ में आया तुम लोगों को अब देखते हैं कि वॉट आर अनादर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं वो क्या है पहला तो एनाटॉमी एनाटॉमी में आप क्या कर रहे हैं एनाटॉमी में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जैसे अगर मैं कहती हूं कि मेरी ये बॉडी है आई हैव टू हैंड्स आई हैव नोज आई हैव माउथ आई हैव टू आईज तो यहाँ पे अगर तुम मेरा पूरा का पूरा बॉडी बाहर से ऐसे पढ़ रहे हो मेरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो तुम मेरी एनाटॉमी पढ़ रहे हो ठीक है so, सिमिलर की साइटोलॉजी क्या होता है ऑफ कोर्स साइटोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सेल क्लोन्स क्या होता है अभी बहुत बार हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है वी हैव दिस क्यूरियोसिटी इनसाइड अस यार कुछ तो नया पता करते हैं तो यू इज माइट हैव स्टडीड अ लॉट है ना जैसे स्कूल में अगर लाइब्रेरीज होगी या कभी कोई मैगजीन घर पे आती होगी हितवाद की वगैरह तो तुम लोगों ने उसमें देखा होगा कि नए नए फैक्ट लिखे रहता है और वो नए नए फैक्ट में चीजें बताई जाती है कि आउट आउटर वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या डिजास्टर कॉज किया तो कई बार साइंटिस्ट ने इलीगली अभी भी होता है इलीगली क्लोन कर बनाने की कोशिश करते हैं तो यू आर फेमिलियर विद द वर्ड क्लोन उसमें क्या है कि मैक हूँ ओके okay, और मैं अपना सिमिलर सारा का सारा सेम जीन और सब कुछ यूज करके मेरे जैसा एक और इंसान बना रही हूँ सो so, वो हम कैसे हो गए हम लोग आइडेंटिकल हो गए ओके सो दिस आर्टिफिशियली डेवलप्ड आइडेंटिकल ट्विन मेरा इज नथिंग बट माय

सोलवेंट माने क्या पानी वगैरह सोल्यूट माने क्या सोल्ट वगैरह सोल्ट शुगर ये सब कुछ हमारा सोल्यूट हो गया और सोलवेंट क्या हो गया वॉटर तो जब ये शुगर या ये सॉल्ट इनका मूवमेंट होगा तो उसको अपन डिफ्यूजन कहते हैं कोई भी सोल्यूट गैसेस में भी हो सकता है वो सोल्यूट बराबर जैसे मीथेन है कोई एक पर्टिकुलर एयर में तो ये मीथेन का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो लो कॉन्सेंट्रेशन या कार्बन है तो कार्बन का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन दिस इज वॉट Diffusion. तो diffusion माने क्या Solvent का moment. और जब अपन की बात diffusion माने क्या Solute का moment. और जब अपन की बात करते हैं तो किसका मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का जैसे कि वाटर ठीक है अब डर्मेटोलॉजी मतलब क्या स्टडी ऑफ स्किन है ना हमारी त्वचा जिसकी हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं आजकल इकोलॉजी क्या होती है बहुत पढ़ने वाले इकोलॉजी के बारे में आप लोग ठीक है तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड द एनवायरमेंट मतलब हमारे एंटायर अर्थ में क्या है कैसे हो रहा है इसकी स्टडी करना अबायोटिक बायोटिक फैक्टर की स्टडी करना उनका इंटरेक्शन स्टडी करना मेरा क्लाइमेट के साथ में स्टडी करना एवरी थिंग कम्स अंडर अवॉट इकोलॉजी इवोल्यूशन क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई और ओरिजिन ऑफ लाइफ होने के बाद में धीरे 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 विद टाइम जनरेशन में कोई तो एक ऐसे uh, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते गए इसको हम लोग इवोल्यूशन कहेंगे की स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नथिंग बट इवोल्यूशन व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स

दया दरवाजा तोड़ो पता है ना हम लोगों को सीआईडी में देखा हम लोगों ने और तोड़ देता है दरवाजा उसके बाद हम जब लैब में जाते हैं तो हम उसको खून की स्टडी करते हैं किसी ना किसी चीज की स्टडी करते हैं आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डॉक्टर जो सीआईडी में था बट वो जो डॉक्टर है वो क्या था वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था कि अगर कहीं पे क्राइम हुआ है कहीं पे कुछ है तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर क्रिमिनल को पकड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे फोरेंसिक साइंस का जहाँ पे क्या हो रहा है कि साइंस की मदद से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सर्टेन फैक्ट और एविडेंसेस को और आइडेंटिफाई करते हैं कि, कि किस इंसान ने वो चीज किया होगा इन क्रिमिनल एक्ट लास्ट तो नहीं बट द वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज माइक्रोबायोलॉजी जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट को छोड़ के कहीं और भागने की कोशिश करेंगे तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी फील्ड इज ऑल्सो माइक्रो बायोलॉजी ओके तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस बैक्टीरिया एलगी फंजा एंड्रोडोजोन क्या मालूम तुम में से कोई अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाता है तो आगे जाके वो हमारे पेंडेमिक की एक बहुत अच्छी दवाई निकाल सकता है वैक्सीनेशन निकाल सकता है ये yes, ये सारे काम स्टडी करना है ना किसको वायरस को वायरस कौन को है कोरोना वायरस हमारा उसको भी तो हमको भी ठीक करना है उसकी दवाई वगैरह कौन बना रहे यही माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ओके okay? फिर आता है बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट मोलिकुलर बायोलॉजी कि मेरे अंदर क्या मेरे अंदर प्रोटीन है मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन है है इन सब की स्टडी करना अगर मेरे अंदर कोई चीज कमी है, तो मैंने क्या खाना चाहिए ये सब की स्टडी करना कौन कर रहा है मोलिक्युलर बायोलॉजी समझा इसमें किसी को कोई दिक्कत है एंड फाइनली वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर टॉपिक सबको आई होप इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत मजा आया होगा एंड एवरीबडी लाइक वॉट आई टॉट बराबर है सो so, आगे जाके हम लोग और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आई होप यू गाइज टू स्टे विद मी एंड अगर किसी को भी कभी भी कोई भी डाउट आता है और मुझसे पूछना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिरेक्टली बिल्कुल हिचकिचाना नहीं शर्माना नहीं कुछ भी नहीं ओके सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो